सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो। हम भी बहुत बढ़िया मजे में है। तो जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। तो सुबह का रूटीन वही है क्योंकि स्कूल भी चालू है, दोनों के मतलब एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मंडे से स्टार्ट है प्रांकी के एग्जाम्स 23 से। तो सुबह का वही रूटीन है, लंच देना, वही सेम सेम। लेकिन मैंने क्या है ना कि एक प्रोडक्ट मंगाया है, क्योंकि अभी ना मतलब सभी जो भी ऐप हैं, मतलब अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या मीशो है या और भी हैं, मिंत्रा है या विंत्रा है, जो भी है, मतलब सारी ऐप जो है उन पे डिस्काउंट मतलब सेल चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने एक प्रोडक्ट को देखा था कि जो विदाउट डिस्काउंट थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मतलब साइज छोटा है तो थोड़ा ज्यादा है, पर मैं वेट कर रही थी कि हाँ अगर कोई सेल आती है तो मैं सोच रही थी कि ले लूँ। वैसे तो छोटी सी चीज है, ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि चलो मैं मंगाती हूँ। इसीलिए मैंने पता है क्या उसको जो उसका पेमेंट था वो कैश ऑन डिलीवरी से ही किया था, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो सेल में है प्रोडक्ट, मैंने सुना था कि हाँ कभी कभी नहीं भी आते हैं, या फिर आते भी हैं तो बहुत ज्यादा लेट आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, लेकिन वो फिलहाल आ गया। तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था ये मैंने इसकी अनपैकिंग नाइट में ही करके देख ली थी, कल ही देख ली थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट कल आया था। तो इसलिए मैंने सोचा, मेरे को भी खुद भी नहीं रहा जा रहा था कि मैं इसको देख लूँ, क्योंकि मुझे इसका बड़ा इंतजार था। और बड़े अच्छे से इससे, ये है ड्राई फ्रूट जो स्लाइसर होता है, कटर होता है, मतलब इसमें स्टील का ब्लेड है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत आसानी से ना इसमें मतलब कट हो जाता है जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना आपके, कोई भी ड्राई फ्रूट हो, मतलब वैसे हार्ड जो रहता है वो आमंड ही होता है जहां तक मुझे लगता है। तो ये स्लाइसर मैंने मंगाया था, ड्राई फ्रूट्स कटर मंगाया था, तो इसमें ये स्टील के ब्लेड्स हैं, इसमें ये इससे इजीली निकल भी जाता है, और फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालने होते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे कट होता है। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, कल ही मतलब रिसीव हुआ है मुझे। तो ये मुझे 112 रुपए का पड़ा था, और जो मैं इसके बॉक्स पे भी देख रही हूँ ना, तो इसके बॉक्स पे भी 199 है, मतलब कि 200 रुपए मानो वो है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर सेल में मिल रहा है तो क्यों ना ले लिया जाए, चलता है तो अच्छा है। तो मैं बहुत दिन से इंतजार कर ही रही थी। तो ये स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं इसमें, और इजी से, बहुत ज्यादा इजीली मतलब इसमें कट हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये मतलब कैसे काम करता है। तो मैं कुछ ये आमंड लेके आई हूँ, इसको इसमें आपको डालना है, और ये जो इसका मार्क है मतलब उसको इस तरीके से लगाना है, और बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसको बस टर्न करना है ऐसे, बहुत ही आसानी से निकल रहा है, बहुत ही अच्छा है, और एकदम से ना बारीक बारीक हो रहा है, जो कि नाइफ से नहीं हो पाता है। मैंने कई बार करके देखा है कि हाँ अगर हलवा बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं या कुछ और भी डिशेस बना रहे हैं जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स डालने की जरूरत है, तो उससे कट नहीं हो पाता है जितना हमें चाहिए होता है, कि हाँ हमें बारीक चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा है, ये देखो है ना, जो जैसे हलवा जो मतलब ये होते हैं ना स्वीट्स जो बनाते हैं, मतलब जो हलवाई होते हैं, कुक जो होते हैं, तो उन वो लोग डालते हैं ना, तो वो इतने बारीक बारीक स्लाइस ही डालते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं वो, एकदम बारीक से पतले से बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखो तो इसमें भी एक दो और बचा है क्योंकि तीन चार ही मैंने डाले हैं इसमें जो आमंड है, लेकिन बड़े अच्छे से कट हो रहा है यार सच्ची में, ये देखो। और इसको मतलब घुमाने में ना, मतलब जैसे जैसे टर्न कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इसमें कोई भी मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, मतलब कहना चाहिए तो, और हार्ड भी नहीं घूम रहा है, कुछ नहीं घूम रहा है।
बस फिनिश। तो मुझे ये सच में मेरा मन था इसको मंगाने का बहुत दिनों से, लेकिन मेरे को लग रहा था कि पहले कुछ अगर सेल में मिलता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो बाकी बात में देखते हैं, लेकिन अच्छा है कि ये मुझे मिल गया। कभी कभी चीजें मिल जाती हैं अच्छी। तो ये देखिए इस तरीके से इसके इतनी पतली स्लाइस कटी हुई है, मतलब एकदम बारीक, इसको मतलब जिस ऐसा लगता है जिसके हाँ आराम से खा सकता है कोई भी, जिसको मुझे लगता है दांत नहीं होंगे वो खा पाएगा, हाँ खा पाएगा क्योंकि बहुत बारीक बारीक है, हल्की हल्की सी है, बड़े अच्छा है, एकदम सॉफ्ट, जैसे हलवा डालते हैं तो हलवे में डालते हैं तो उसमें थोड़ी बारीक सी डालो, या फिर जैसे खीर बनाते हैं तो उसमें, या फिर आप लड्डू भी बनाते हैं ना, जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं या किसी और चीज के भी लड्डू बनाते हैं, तो आपको या तो ग्राइंड करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, आप ना पीसो, आप इस तरीके से ये बनाओ, बहुत ही बारीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को सच में। तो लिंक भी मैंने इसमें दिया हुआ है आपको कि मैंने किस साइट से मंगाया, मीशो से मंगाया है मतलब, लेकिन लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं और व्यूज भी पढ़ सकते हैं उसके। आप मैंने भी व्यूज को देख के ही मंगाया है कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच्ची में। ये मेरा पर्सनल ही व्यू है क्योंकि मैंने खुद पहली बार ट्राई किया है। तो इस तरीके से ये इससे बारीक कटिंग हो जाती है। तो अभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रोडक्ट को देख का लिंक भी मैंने दिया हुआ है तो उसको चेकआउट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।